ओम शांति माँ। ओम शांति। आज मुरली से क्या धारणा की है? माँ, जब हम किसी कार्य को बहुत लगन के साथ करते हैं तो हमें किसी अन्य कार्य की कोई भी आकर्षण उस समय पर आकर्षित नहीं करती और हम उस कार्य का पूरा आनंद लेते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा है, अतींद्रिय सुख की अनुभूति हम तब कर सकेंगे जब हमें इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण यह आकर्षित करना बंद कर देगी। पूरे अटेंशन के साथ जब किसी कार्य को करते हैं तो बुद्धि की हलचल और उसका भटकना बंद हो जाता है और वह कार्य सहज और बहुत अच्छी रीति संपन्न होता है और स्थिति भी एक रस रहती है। माँ, आज बाबा ने यह भी बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण होने का कारण भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होना है। हमारी ये रूहानी पढ़ाई है और इसका आधार है बुद्धि। यदि बुद्धि ही हलचल में रहेगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बुद्धि की लाइन को हमेशा क्लियर रखेंगे तब हम एक दो के मन के भावों को भी समझ सकेंगे। बुद्धि की स्वच्छता के लिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान के मंथन पर ध्यान देना चाहिए, यही ना माँ? बिल्कुल सही। संगम युग पर हमें बाबा के द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है। ज्ञान का मंथन और बाबा के मत पर चलते रहना, इससे हम ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। और फिर स्वयं भगवान के द्वारा पढ़ना, यह स्मृति बार बार लाने से कितना नशा चढ़ता है। शुक्रिया बाबा।